पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर सिंध कौंसल नासर रहीम लोधी का ज़मीनी इलेक्शन NA 240 के दौरान किया हुआ एक और वादा पूरा हो गया। UC 8 में जलालुद्दीन मस्जिद सेक्टर 50 में रोड नंबर 7 में 30 साल पानी का पुराना मसला हल करते हुए अपने बयान में कहा, खिदमत में असमत है, मैंने ज़मीनी इलेक्शन खिदमत की नीयत से लड़ा और मेरी नीयत साफ है, इसलिए मैं अब तक अपने हल्के के लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फरमान है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और मैं अपने हलके के लोगों से पुरजोर अपील करता हूं कि बलदियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें और अपना वोट तीर के निशान पर मोहर लगाकर अपने इलाके के चेयरमैन वाइस चेयरमैन और काउंसलरों को कामयाब करें। इस मौके पर UC 8 के नामजद चेयरमैन अहमद रजा और उनकी पूरी टीम उनके हमरा थे, जिस पर इलाका मकीनों ने मेंबर सिंध कौंसल नासर रहीम लोधी का शुक्रिया अदा करते हुए ये यकीन दिलाया है कि हमारा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही होगा। इस मौका पर नामजद चेयरमैन अहमद रजा ने मेंबर सिंध कौंसल नासर रहीम लोधी का शुक्रिया अदा किया और लोगों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उन्हें जल्द हल करने का वादा भी किया।